नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इंडियन एग्रीकल्चर के 23वें क्लास में कैश क्रॉप की ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैश क्रॉप शुगर केन, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और शुगर केन से एसोसिएटेड एग्रीकल्चर एस्पेक्ट में CO-0238 वेराइटी क्या है, सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव क्या है, उन सब पर तो चर्चा करेंगे ही। साथ ही साथ इकोनॉमी एस्पेक्ट भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केटिंग क्या, प्राइसिंग होती है, FRP क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शुगर केन से कैसे ऑफ लेट इथेनॉल प्रोडक्शन पर जोर दिया जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, वो भी जानेंगे। तो बहुत ही होलिस्टिक तरीके से हम शुगर केन एज अ क्रॉप कवर करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैंने UPSC सिविल सर्विस एग्जाम में 5 बार मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है। इसके सिवा पिछले काफ़ी सालों से मैं पढ़ा भी रहा हूँ, अन अकेडमी में भी जुड़ा हुआ और UPSC CSE में भी टीचिंग एक्सपीरियंस 4 साल का रहा है। तो दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको PDF अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके सिवा दोस्तों, अनलॉक 20 फ्लैट 20% ऑफ फ्लैश सेविंग्स बस मार्च 14 से मार्च 16 के बीच में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है यानी GS एंड ऑप्शनल दोनों, उसकी कीमत है 45,757 रुपीज फॉर 1 ईयर। और 1 साल की आइकनिक कॉम्बो यानी GS प्लस ऑप्शनल एंड GS भी आइकनिक, जिसमें आपको डेली आंसर राइटिंग भी मिल रही है, मेंटर कनेक्ट मिल रहा है, वो 63,195 रुपीज में मिल रही है। दोस्तों, ये कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं, और जब आप KC10 कोड यूज करते हैं तो आपके लिए मेरे पास एक स्पेशल ऑफर भी है। और ये क्या है दोस्तों, मेरी तरफ से एडिशनल बेनिफिट है जो मैं कमिट करता हूँ, वो ये है आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी डायरेक्टली मेरे द्वारा, कोई ऑफिस स्टाफ नहीं, आप डायरेक्टली मेरे संपर्क में रहेंगे, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS ऐसे एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो आप निश्चिंत होकर KC10 कोड यूज कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर लोन की जरूरत है तो लोन भी हम ऑफर कर रहे हैं 0% EMI पे, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। इसके सिवा आपके मन में कोई भी सवाल है, फिर वो प्रिपरेशन जर्नी से रिलेटेड हो, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हो, लेटेस्ट ऑफर्स के बारे में आपको जानना हो, तो आप निश्चिंत होकर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं काउंसलर से एंड उनको KC10 कोड दें, बाकी सब कुछ वो ध्यान रख लेंगे। तो चलिए आज की इस चर्चा का शुरुआत इसके साथ करते हैं। तो शुगर केन दोस्तों, अगर आप देखें तो ये एक प्रकार का ट्रॉपिकल क्रॉप है, ग्रास फैमिली को बिलोंग करता है और ट्रॉपिकल इलाकों के अलावा इसको सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो किया जाया जा सकता है। ऑल्दो अगर आप ट्रॉपिकल क्रॉप को सब ट्रॉपिकल इलाके में ले जाएंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, तो उस वजह से इसकी यील्ड लो हो जाएगी, यानी जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शुगर केन प्रोड्यूसर है, गन्ना ईक का प्रोड्यूसर है, और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर दुनिया का शुगर केन का कौन है, ब्राजील है। शुगर केन की बात करें दोस्तों तो इसको जो सो किया जाता है, बुआई होती है, वो अगर आप देखें तो अगस्त सितंबर में, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो अगस्त सितंबर में होता है, और साउथ इंडिया की बात करें तो सितंबर अक्टूबर के महीने में होता है। यानी कैसा क्रॉप है ये एक खरीफ क्रॉप है एंड इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, 75 से 150 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, और अगर बारिश नहीं है फिर भी आपको शौक है गन्ना उगाना ही है तो भैया इरिगेशन दे दीजिए, सीधा असर है, तो लेस रेनफॉल है तो इरिगेशन प्रोवाइड कर दीजिए। तो आप इस मैप में देख सकते हैं तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आप शुगर केन प्रोडक्शन देख पा रहे होंगे। इसके सिवा टेम्परेट इलाकों में बीट कल्टीवेशन किया जाता है, बीट से भी चीनी बन जाता है, ये भी एक प्रकार का क्रॉप है। भारत में हम शुगर केन उगाते हैं। तो भारत की अगर हम बात करें, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, तो शुगर केन प्रोडक्शन भारत में 3 डिस्टिंक्ट बेल्ट में आपको देखने मिलेंगे। तो पहला हो जाता है दोस्तों इंडो गैंजेटिक प्लेन, सतलज गंगा प्लेन, तो ये पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार को कवर करता है। तो ये अगर आप देखें तो 51% एरिया है जो शुगर केन प्रोडक्शन का है वो इसी इलाके में लोकेटेड है एंड ये अकेले रिस्पॉन्सिबल है 60% ऑफ टोटल शुगर केन प्रोडक्शन। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो ये ओल्डेस्ट शुगर केन प्रोडक्शन वाले इलाके हैं। तो हुआ यूं कि आपको तो मालूम ही होगा, तीन कठिया सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, इंडिगो कल्टीवेशन किया जाता था बिहार में, साथ साथ ईस्टर्न यूपी में, तो इन इलाकों में कैश क्रॉप इंडिगो हुआ करता था। तो इंडिगो को तो आपको मालूम ही है, गांधी जी ने अंग्रेजों जो प्लांटेशन ओनर्स थे उनको मार के भगाया और उसके बाद इंडिगो बंद हो गया। तो जाहिर सी बात है ये किसान, अब इनको कुछ नया कैश क्रॉप उगाना था तो वो रिप्लेस किया इंडिगो को
इसी इलाके में शुगर केन ने। तो इस इलाके में शुगर केन कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ है, अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है, और तब से पहला मिल भी बहुत पुराना मिल है, अंग्रेजों के टाइम का ही है, तब से ही शुगर मिल भी वहां पर लग चुका है। तो यहाँ पे मिल्स भी तभी आ गए थे, अंग्रेजों के टाइम से आ गए हैं। जाहिर सी बात है उस टाइम पे मिल होंगे तो कैसे मिल होंगे, पुराने मिल होंगे। मशीनरी कैसी होगी, पुरानी होगी। एफिशिएंसी क्या होगी, लो होगी। दूसरा दोस्तों बहुत मेजर इलाका है शुगर केन प्रोडक्शन का, ये है ये ब्लैक सॉइल बियरिंग रीजन। तो लार्जली ये वाला जो इलाका है दोस्तों, दिस इज द सेकंड बेल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेल्ट है। एंड महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात की बात करें तो सौराष्ट्र, ये सारा इलाका, सम पार्ट्स ऑफ तेलंगाना, ये सब आ जाता है शुगर केन प्रोड्यूसिंग सेकेंड इलाके। तो ये बाद में यहाँ पे शुगर केन प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। इसके सिवा एक तीसरा इलाका भी है, आंध्र और कृष्णा, आंध्र प्रदेश में कृष्णा वैली। तो ये जो कोस्टल इलाका है बहुत मेजर नहीं है, आइसोलेटेड पॉकेट है, तीसरा इलाका आप देख सकते हैं। तो भारत में मुख्यतः ये तीन मेजर शुगर केन प्रोडक्शन के इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी शुगर केन प्रोडक्शन थोड़ा सा होता है। तो शुगर केन की अगर हम बात करें तो नॉर्थ साउथ डिवाइड पर चर्चा करना बिल्कुल आवश्यक है। एक बार यूपीएससी ने जीएस में, मेंस में भी इस पर सवाल पूछा है। तो आइए जान लेते हैं कैसे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में अंतर है विद रिस्पेक्ट टू शुगर केन कल्टीवेशन। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप देखें तो साउथ इंडिया के लिए ये परफेक्ट क्रॉप है। क्यों? क्योंकि शुगर केन कैसा क्रॉप है, जिससे मैंने क्लास स्टार्ट किया था उसी वक्त आपको बताया था, शुगर केन एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल क्रॉप होने की वजह से अगर आप देखें तो ट्रॉपिकल रीजन्स में शुगर केन की जो प्रोडक्शन है हायर होगी, यील्ड क्या होगी, हायर होगी। छोटे से इलाके में आप जो शुगर केन लगाएंगे तो ज्यादा लग सकेंगे, साथ ही साथ जो शुगर केन होगा मोटा होगा, जूसी होगा। तो इस वजह से साउथ इंडिया में अगर आप देखें तो जो शुगर केन होता है उसमें सुक्रोज कंटेंट हायर होता है, नॉर्थ इंडिया में जो शुगर केन होता है उसका सुक्रोज कंटेंट लोअर होता है। इसके सिवा साउथ इंडिया में शुगर केन ग्रोइंग के लिए जो सीजन है लंबा चलता है, तो इस वजह से शुगर केन की जो क्रशिंग होती है, क्रशिंग यानी गन्ना डाला और उसे जूस निकला, तो वो जो क्रशिंग सीजन है वो लंबा चलता है। नॉर्थ इंडिया में क्रशिंग सीजन छोटा होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। यदि क्रशिंग सीजन शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है शुगर मिल्स कुछ साल तो काम करेंगे, साल के कुछ महीने तो काम करेंगे, बाकी महीने क्या होंगे, जब शुगर केन नहीं आ रहा है, कट नहीं रहा है, हार्वेस्ट नहीं हो रहा है, तो शुगर केन जो मिल्स के पास है वो नहीं आएंगे, तो शुगर मिल बंद रहेंगे। लेकिन साउथ इंडिया में तो क्रशिंग सीजन लंबा है, तो इस वजह से क्या होगा, लंबे टाइम तक शुगर मिल्स के पास शुगर केन आते रहेंगे, तो वो ऑपरेशनल रहेंगे, तो लंबे टाइम तक चलेंगे। कारण क्या है दोस्तों, साउथ इंडिया ट्रॉपिकल इलाका है, तो ट्रॉपिकल इलाके में जो विंटर्स हैं उतने हार्श नहीं होते, तो शुगर केन ग्रो करने के लिए लंबा टाइम रहता है जो कि अनुकूल रहता है। नॉर्थ इंडिया में हार्श विंटर्स आते हैं तो उस टाइम में शुगर केन प्रोडक्शन जो है वो इम्पैक्टेड भी रहता है, तो थोड़ा सा जो ड्यूरेशन है वो छोटा हो जाता है, जो मतलब क्रशिंग सीजन है वो छोटा हो जाता है। इसके सिवा आप अगर देखें तो जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, एक्सट्रीम समर, एक्सट्रीम विंटर नॉर्थ इंडिया में आता है, तो इस वजह से जो यील्ड है पर यूनिट एरिया शुगर केन की प्रोडक्शन है वो कम होती है, वही साउथ इंडिया में हायर देखने मिलती है। इसके सिवा नॉर्थ इंडिया का, जैसा मैंने आपको बताया था, ये शुगर मिल कब के हैं, अंग्रेजों के जमाने के हैं, तो जाहिर सी बात है कैसे हैं, बहुत पुराने हैं, तो इनमें मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है। काफी मिल्स तो मॉडर्नाइज हो गए हैं लेकिन काफी में अभी भी मॉडर्नाइजेशन की गुंजाइश है, तो जाहिर सी बात है इनकी जो मशीनरी है वो कैसी है, पुरानी है, तो मॉडर्न मशीनरी नहीं है, और अगर मशीनरी मॉडर्न नहीं है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगा। यूजुअली शुगर केन में तो बगैस का यूज किया जाता है, जो बाहर का छिलका होता है उसका इस्तेमाल करते हैं एज अ बायोफ्यूल, एज अ फ्यूल जिसके द्वारा ये मशीनरीज रन करते हैं, वही एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, बाहर का छिलका वही जलाने के काम आता है और उसी से उसको बॉइल किया जाता है शुगर केन जूस को। लेकिन जो पुराने मशीनरीज हैं नॉर्थ इंडिया के वो इतने एफिशिएंट नहीं होंगे इसको यूटिलाइज करने में, तो जो शुगर है, जो शुगर केन से शुगर बन रहा है, काफी वेस्टेज होगा, मोलास बहुत बनेगा एंड जो दूसरा पार्ट है वो वेस्ट हो जाएगा, तो शुगर इफेक्टिवली कम बनेगी, तो वो भी एक समस्या है। साउथ इंडिया के मशीनरीज नए हैं तो हैवी एंड मॉडर्न मशीनरी है यहाँ पर, तो शुगर मिल्स भी बेहतर रन करते हैं, एफिशिएंट भी ज्यादा हैं। इसके सिवा काफी शुगर मिल्स जो है कोऑपरेटिव्स के द्वारा संचालित होते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में कोऑपरेटिव कल्चर वेल डेवलप नहीं हो पाया है, तो इस वजह से ये शुगर मिल्स अगर आप देखें तो प्रॉपरली मैनेज नहीं होते, पॉलिटिसाइजेशन का शिकार बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी जो ऑपरेशन है
वो ठप हो जाती है, ये ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाते। वहीं साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पे कोऑपरेटिव कल्चर, एज अ होल इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में कोऑपरेटिव कल्चर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बेहतर डेवलप कर पाए हैं, तो इस वजह से शुगर मिल्स भी बेहतर मैनेज हो रहे हैं। दोस्तों शुगर केन की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। हमने सस्टेनेबल राइस इनिशिएटिव देखा था, तो उसी के तर्ज पे है सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। तो एसआरआई के वक्त हमने पढ़ा था ये क्या है, एक प्रैक्टिस है, एग्रो एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जिसके द्वारा आप इनपुट्स को कम कर देते हैं और जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं उनको कम करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को आप इस प्रकार से ऑप्टिमाइज करते हैं कि आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, आउटपुट बढ़ जाता है। तो सेम चीज किया जाता है एसएसआई में भी। अब इसके हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, आपको बस जानना है सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव क्या है, एक प्रकार का प्रैक्टिस है जिसके द्वारा आप शुगर केन से जो इनपुट है वो कम लगेगा, यानी सीड का खर्चा, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का खर्चा कम होगा और जो आउटपुट है वो ज्यादा जनरेट होगा। तो एसएसआई में लेस यूज ऑफ सीड्स होता है, बहुत ही ज्यादा वाटर गजलिंग क्रॉप है शुगर केन, पानी सोख जाता है तो वाटर यूजेज भी एसएसआई में कम है। इसके सिवा फर्टिलाइजर्स का भी यूजेज ऑप्टिमल है, लैंड का यूजेज भी ऑप्टिमल है। तो आउटकम क्या होता है, यील्ड ज्यादा होता है, मिनिमम यूज ऑफ इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट हम जनरेट करते हैं। साथ ही साथ आप देखें तो जो खर्चा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो 3/4 तक हम कम कर सकते हैं, यानी मैसिवली आप कॉस्ट कट डाउन कर देंगे। इसके सिवा जो केन आप जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो लंबा होगा और साथ ही साथ मोटा भी होगा, वजन ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है ज्यादा शुगर भी वो जनरेट करेगा। तो दोस्तों अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, ये जो सतलज गंगा प्लेन है ये सबसे मेजर शुगर केन प्रोड्यूसर है। इसमें एक टर्न अराउंड हुआ है, कहां पे हुआ है, यूपी में हुआ है। आप देख सकते हैं प्रोडक्शन यूपी में तो 6.6 मिलियन टन 2013-14 में, महाराष्ट्र में 7.7, 2014-15 में 7.1 मिलियन टन, महाराष्ट्र में 10.5, 6.8 पहुंच गया और अब सडन टर्न अराउंड हुआ है 2017-18 में 12 मिलियन टन हुआ है, और अब 2020 का डेटा लेके आऊं तो और भी काफी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। तो यूपी में एक जबरदस्त टर्न अराउंड हुआ है, शुगर केन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कारण है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट रीजनल सेंटर करनाल। इन्होंने एक शुगर केन का वेराइटी डेवलप किया है जो कि है CO0238 वेराइटी, करन 4 वेराइटी। तो ये जो CO0238 वेराइटी है दोस्तों, ये हाई यील्डिंग हाई शुगर कंटेंट वाला शुगर केन है, अर्ली मैच्योर भी होता है, यानी ज्यादा आप जल्दी मैच्योर होके जल्दी ही आप जमीन से वापस एक नया साइकिल ऑफ शुगर केन आप लगा सकेंगे। इसके सिवा ये ऑप्टिमल है सतलज गंगा प्लेन्स के लिए, तो हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न सेंट्रल यूपी, राजस्थान में आप इसको लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये फास्टर रेट में स्प्रेड कर रहा है और ज्यादा जूस क्वालिटी भी जो जनरेट कर रहा है वो बेहतर है, तो इस वजह से इसको फार्मर्स भी और शुगर इंडस्ट्री दोनों सपोर्ट कर रही है। दोनों ही चाह रहे हैं कि CO0238 वैरायटी को यूज किया जाए, और इसके साथ यूपी में शुगर केन में एक मैसिव टर्न अराउंड आया है और बहुत ज्यादा शुगर केन प्रोडक्शन हमको देखने मिल रहा है, और अब यूपी इंडिया का लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर हो चुका है वापस से। और ये किसके लिए श्रेय किसको जाता है, CO0238 वैरायटी। तो ये एक केस स्टडी है आपके लिए, कैसे R&D में अगर आप खर्चा करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर में खर्चा करते हैं, तो कम खर्चे में ज्यादा रिटर्न्स आप जनरेट कर सकते हैं। तो यूज दिस एज अ केस स्टडी, मेंस में आंसर में आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों शुगर केन से और एक चीज आजकल जनरेट किया जा रहा है, वो है इथेनॉल। तो इथेनॉल यानी इथाइल एल्कोहल, अगर आप देखें इसकी 95% प्योरिटी है इथेनॉल की, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहलिक बेवरेजेस में, शराब बनाने, और अगर 99% प्योरिटी आपने कर दी तो इसको आप पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर सकते हैं और गाड़ी मोटर इस पर दौड़ा सकते हैं। तो कैसे बनता है इथेनॉल, आइए जान लेते हैं। तो शुगर केन को सिंपल प्रोसेस, वही क्रश किया जाता है, शुगर केन जूस मिलता है, इसमें टोटल फर्मेंटेबल शुगर होता है 14% और बाकी होता है रेसिड्यू जिसको कहते हैं मोलास, लिक्विड ही है। ये जो टोटल फर्मेंटेबल शुगर है 14% है, इसको हम उबालते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं और इससे बनता है चीनी। बाकी जो मोलास है इसको हम भेज देते हैं रेसिड्यू को डिस्टिलरी। मोलास में ये अलग अलग टाइप्स का मोलास ए, मोलास बी, मोलास सी डिस्टिलरी में जनरेट करता है, और इसी से फर्दर डिस्टिलरी में हम क्या बना सकते हैं, इथेनॉल बना सकते हैं। अब ये इथेनॉल दोस्तों आपको अगर मैं बताऊं तो 1 टन मान लीजिए आपके पास शुगर केन है, तो इससे 115 kg शुगर बनेगा, 45 kg मोलास बनेगा।
अब मोलास्क को आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, या फिर आप इस 45 kg मोलास्क को डिस्टिलरी में भेजिए और करीबन 11 लीटर इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल बनवा लीजिए। तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल है 2018 की, इसका टारगेट है 20% ब्लेंडिंग होना चाहिए इथेनॉल का पेट्रोल में और 5% ब्लेंडिंग होना चाहिए बायोडीजल का डीजल में बाई 2030। तो इसी को अपडेट किया गया 2021 में और 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग अब करना है 2025 तक। अगर डेटा की बात करूं दोस्तों तो इस साल के यानी 2022 फरवरी के का जो डेटा है 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, तो बस और 10% आने वाले 5 साल में हमें अचीव करना है। तो कैसे इथेनॉल बनता है, ये रहा वही चीज है जो आपको अब तक बताया मैंने, आप उस डायग्राम के रूप में भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों सवाल उठता है क्यों इथेनॉल जरूरी हो गया, तो इसके पीछे कारण क्यों सरकार ने इथेनॉल को प्रमोट करना शुरू किया, इसके पीछे की जो कहानी है वो है शुगर केन प्राइसिंग में छुपी। तो दोस्तों शुगर केन की प्राइसिंग कैसे होती है, तो प्राइसिंग की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन की बताती है। FRP क्या होता है, FRP वो कीमत है जो शुगर मिल शुगर केन फार्मर को देगी, ये वो प्राइस है जितना शुगर मिल को फार्मर्स को देना ही है, है ना। MSP में क्या होता है, सरकार कहती है कोई नहीं देगा तो मैं खरीद लूंगा, यहां पे वो नहीं है, ये मिल बाध्य है फार्मर्स को FRP का रेट तो देना ही होगा। तो FRP को जाहिर सी बात है जब डिसाइड किया जाता है तो CACP के द्वारा इसको रिकमेंड किया जाता है, CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस MSP वाली, वही MSP भी रिकमेंड करती है। तो CACP बहुत ही साइंटिफिक तरीके से क्या प्रोडक्शन है, क्या डिमांड है, क्या इंटरनेशनल प्राइस होगा, इन सब के आधार पे FRP डिसाइड करती है और इस FRP को CACP के एडवाइस के अनुसार CCEA फाइनली अनाउंस कर देती है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के चेयरपर्सन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो FRP का जो कंसेप्ट लेके आए थे, ये लेकर के आए थे रंगराजन कमिटी का नतीजा है। अब होता यूं है दोस्तों, जो शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो स्टेट्स क्या करते हैं, FRP के ऊपर टॉप अप ऑफर करते हैं, इसके ऊपर और 100 रुपया ले लो और 150 ले लो और 50 ले लो, यानी टॉप अप करते हैं। ये क्या हो जाता है, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। तो SAP स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। यहां पे CACP को बनाते टाइम जो साइंटिफिक तरीके से CACP के द्वारा जो FRP डिसाइड होता है क्या इंटरनेशनल प्राइस होगी, वो सब को आप देखें तो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, फार्मर्स जो हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनका क्या प्रेशर है, चुनाव का साल आ गया तो उस हिसाब से सरकार क्या करती है, अलग अलग अनाउंसमेंट कर देती है, तो अलग अलग टॉपअप हो जाते हैं। तो SAP क्या हो जाता है, FRP से हाई हो जाता है और इसके द्वारा SAP जब ऑफर कर दिया जाता है तो अब शुगर केन फार्मर्स को शुगर मिल ओनर्स SAP देंगे और ये SAP क्या हो जाता है, काफी ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से दोस्तों ये हुआ कि भारत में शुगर केन का ग्लट हो गया, शुगर केन का ग्लट हो गया, जिस वजह से आप देखें तो हुआ यूं कि जाहिर सी बात है दाम गिर जाएंगे अगर शुगर केन का ग्लट हो जाएगा तो। शुगर केन अब किसान को तो SAP हाई मिलने लग गया, एक टाइम में तो हाई मिलने लग गया तो सारे फार्मर शुगर केन अंधाधुन बनाने शुरू कर दिए, खूब शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन शुगर मिल्स उनको तो SAP किसान को देना है। अब इंटरनेशनली शुगर केन का ग्लट हो गया, शुगर का पैसा दाम क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, तो शुगर मिल्स अब क्या करेंगे, अगर मार्केट में इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो जाएंगी तो शुगर मिल कहां से SAP किसान को दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, तो पैसे नहीं दे पाएंगे तो क्या हो जाएगा, शुगर मिल बैंकरप्ट हो जाएगा, बंद पड़ जाएगा, तो शुगर मिल क्या होने लग गए, सिक होने लग गए। तो इन शुगर मिल को सिकनेस से बचाने के लिए सरकार ने काफी स्कीम्स भी बनाए, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कौन सा वो स्कीम है जिसके द्वारा शुगर मिल्स को सिकनेस से बचाया गया। नंबर टू, अब किसान को यदि शुगर केन प्रोड्यूस करवाना है और शुगर से ही पैसा ना मिले और भी कोई चीज हो जिससे पैसा मिले, वो क्या हो सकता है, वो होगा इथेनॉल। तो इसीलिए अब इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो रही है कि इसको तेजी से प्रमोट करवाना है, सो दैट अब किसान जब शुगर केन उगाए तो उसे सिर्फ चीनी बना के पैसा ना कमाए, गुड़ खंडसारी सिर्फ इसी से पैसा ना कमाए, बल्कि इथेनॉल मोलास से जो इथेनॉल बन रहा है
उससे भी वो पैसा कमाना शुरू करे, सो दैट किसान तक ये एसएपी को जस्टिफाई किया जाया जा सके, स्टेट एडवाइज प्राइसेस किसान तक पहुंच सके। तो इसीलिए इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रिंसिपल लाया गया और कहा गया कि भाई इसको अब तेजी से बढ़ाओ, क्योंकि किसान को अब एसएपी भी तो दिलवाना है। तो दोस्तों बहुत सारे स्पेशल क्लास में रन कर रहा हूं डेली, आप देखें तो निकालो, प्रीलिम्स 2022 है, आपके जैसे बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 60 क्वेश्चंस हम लास्ट टू इयर्स के करंट अफेयर्स पर कवर कर रहे हैं। तो अब तक हमने जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कवर कर लिया है, नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स अब हम कवर कर रहे हैं, नवंबर जब भी जल्दी खत्म हो जाएगा 2021 में घुस जाएंगे। तो वीकडेज इसको अगर हम देखें तो ये संडे टू थर्सडे होता है 6 PM to 8 PM, तो संडे टू थर्सडे 6 PM to 8 PM स्पेशल क्लास का हिस्सा जरूर बने। इसके सिवा प्लस कोर्स भी फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट सब कुछ मैंने कवर कराया है, इन सब में एनरोल करें, यूज डी कोड KC10। इसके सिवा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है। आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, एंड अनलॉक 20 जैसा मैंने बताया फ्लैट 20% ऑफ है दोस्तों, प्लस कॉम्बो आइकनिक कॉम्बो दोनों में, तो KC10 कोड का यूज कीजिए, मेरी मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी पाइए। अनअकैडमी लाइट है दोस्तों, प्रीलिम्स एंड सीसैट के लिए 28 टेस्ट है, 20 GS 8 CSAT, और एक साल के लिए 56 टेस्ट है, 40 GS 16 CSAT, तो इनका हिस्सा बने, यूज द कोड KC10। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, इसका भी फायदा उठाए, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, एंड जो एक साल की कीमत है दोस्तों वो है 46791 प्लस की, एक साल की आइकनिक की 67041, एक साल की ऑप्शनल की 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा आप लोगों ने हमें बहुत जबरदस्त रेटिंग दिया है, बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग, बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग, ऑलरेडी 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स टेस्ट में एनरोल किए हैं, तो इन सबका फायदा उठाएं। 16 मार्च को यूपीएससी सीएससी बैचेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनका हिस्सा भी जरूर बने। इसके सिवा अनअकैडमी स्टोर हमने ओपन कर दिया है ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो पूसा रोड ORN, तो अगर आपने अब तक नहीं देखा तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से जाइए जाके इसका हिस्सा बनिए, देखिए तो सही क्या है, क्या वातावरण आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंड डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। पाथफाइंडर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इट नाउ।